ममता के आंचल की छांव में नन्हे कदम धीरे धीरे चलना सीखते हैं और पिता के पीठ पर बैठकर बच्चों की खूबसूरत आंखें सपने बुनना शुरू करती हैं। माता पिता का साथ अंधेरे कमरों में दिए की रोशनी की तरह होता है, जो पल पल आपको जिंदगी जीने के नए आयाम सिखाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हाथ पकड़कर चलना सिखाने वाले ये हाथ कहीं दूर आसमान में गुम हो जाएं, जहां से उनका आना भी मुमकिन ना हो पाए। ऐसे समय में एक बच्चा शायद हार के बैठ जाए, वो अपने सपनों को पूरा करना तो दूर उन्हें देखना भी छोड़ दे। दरअसल रुद्रप्रयाग से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें दो नन्ही बच्चियों ने अपने माता पिता को खो दिया। हम बात कर रहे हैं जखोली ब्लॉक के त्योखर गांव की 5 साल की बसु और 2 साल की निशा की, जो अपने पिता प्रेमोलाल को 10 महीने पहले हुई गंभीर बीमारी की वजह से खो चुकी हैं। तो वहीं माँ सुनीता देवी पति की मौत के बाद मानसिक तनाव से ग्रसित हो गई, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही उनकी भी मौत हो गई। अब दोनों बच्चियों के सिर से माँ और पिता का साया उठ गया। कड़ाके की ठंड में नंगे पैर दोनों बहने गाँव में घर घर भटकने को मजबूर है। भले ही गांव के कुछ परिवार इन दोनों बच्चियों को सुबह और शाम को भोजन दे रहे हों, लेकिन ये व्यवस्था कब तक चलेगी कह पाना मुश्किल है। ठंड के चलते बच्चों के हाथ पैर नीले हो गए। उनका घर तो है, लेकिन वो किसके साथ रहेंगी? इन मासूम बच्चियों के बारे में जैसे ही ऋषिकेश की सामाजिक संस्था समूर फाउंडेशन को पता चला, तो उन्होंने बिना देरी किए इन दोनों बच्चियों के अनाथ आश्रम में शिफ्ट होने तक बच्चियों के भोजन की जिम्मेदारी ले ली। संस्था ने बच्चियों की देखभाल कर रहे उनके मौसाजी को फौरन 15 दिन का भोजन मुहैया करवाया। इतना ही नहीं, इस संस्था ने बच्चियों के गांव पहुंचकर उपजिलाधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन, चौकी प्रभारी और कुछ अन्य सामाजिक लोगों के साथ बातचीत कर बच्चियों के परिवार, गाँव वासियों और उपस्थित सभी लोगों के साथ सर्वसम्मति के साथ ये निर्णय लिया कि दोनों बच्चियों को शिशु बाल गृह देहरादून भेजा जाए। जब तक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होती, तब तक के लिए दोनों बालिकाएं अपने मौसा के साथ रहेंगी। समूह फाउंडेशन परिवार के माध्यम से दोनों बच्चियों के लिए आगामी 15 दिनों तक का राशन प्रदान किया गया और आगे भी हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। समूह फाउंडेशन की इस मदद के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये संस्था इन बच्चियों के लिए अंधेरे में रोशनी की एक उम्मीद बनकर आई है। शायद अब इन बच्चियों के मुश्किल हालातों में सुधार आ सके। संवाद 365 के लिए ऋषिकेश से काजल की रिपोर्ट।